समंदर में। ओके सो गाइस कैसे हो यार सब लोग, और आज की वीडियो में सिखाने वालों कि आप अपनी एक इस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। अगर आप इस तरह की अपने खुद की फोटो की स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, आपकी वीडियो अमेजिंग लगने वाली है। तो गाइस इस तरह की वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो ना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद पे घंटी का निशान है, उससे आपको प्रेस करना है। वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज होगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपको गाइड मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा प्लस का आइकन, क्लिक करना है और कुछ साइज शो कर रहा है, आपको 9.16 वाला साइज सेलेक्ट करना है। इस साइज को सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा मीडिया, आपको मीडिया पे क्लिक करना है और गाइस आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने जो बैकग्राउंड डाउनलोड कर रखा आपने उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और टिक पे क्लिक करना है। गाइस देख लीजिए बैकग्राउंड आ चुका है। जो बैकग्राउंड है इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ लंबी करनी है, तो मैं बैकग्राउंड की लेंथ लंबी कर लेता हूँ। बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपने इसकी लेंथ को इस तरीके से खींच लेनी है और टिक पे क्लिक करना। गाइस देख लीजिए बैकग्राउंड की लेंथ लंबी हो चुकी है, आपने इस तरीके से लंबी कर लेनी है। और अब करना क्या है, इसमें गाइस एक फ़ोटो ऐड करनी। ओके तो मैं फ़ोटो ऐड करता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी। ओके तो मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस देख लीजिए फ़ोटो आ चुकी है, आपने एक इस तरह की फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। आपको स्क्रीन में फ़ोटो दिख रही है, आपने कहीं पे बैठकर एक इस तरह की फ़ोटो क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है। अगर आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने एक वीडियो बना रखी, आप उस वीडियो को देख कर अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। ओके तो फोटो आ चुकी है। जो फोटो है गाइस इसकी लेंथ आपको लंबी करनी है। लंबी करने के बाद इस फोटो को सेट करना है, तो मैं फोटो को सेट कर लेता हूँ। तो मैंने फोटो का साइज हल्का सा बड़ा किया और यहाँ पे सेट कर लेता हूँ फोटो को। ओके तो गाइस फोटो सेट हो चुकी है और टिक पे क्लिक करा, आपने इस तरीके से फोटो सेट कर लेनी है। फोटो सेट करने के बाद इसमें अब एक वीडियो ऐड करनी। ओके तो मैं वीडियो ऐड करता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो वीडियो डाउनलोड कर रखी है आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करना। ओके तो मैं वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, वीडियो आ चुकी है। और जो वीडियो गाइज इसका साइज़ आपको छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे साइड में सेट कर लेना। ओके तो मैं सेट करता हूँ। सेट करने के बाद साइड में कुछ ऑप्शन हो रहा है, नीचे की इसका लेना और एक ऑप्शन शो कर रहा क्रॉपिंग, क्लिक करना है, इस ऑप्शन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक लाइन शो कर, इस लाइन को आपको फुल करना है और टिक पे क्लिक करना है। जो गाइज वीडियो वाले लेयर क्लिक करना है, साइड में कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, नीचे की इसका लेना और एक ऑप्शन शो कर रहा ब्लेंडिंग, क्लिक करना है। कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, आपको सेलेक्ट कर लेना डार्किंग, ठीक है, डार्किंग ऑप्शन एक इसे सेलेक्ट करना है और टिक पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए नीचे से गाइज थोड़ा हल्का पानी आ रहा है नीचे से, इस तरीके से हमने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब करना है क्या, इसमें एक इफेक्ट वीडियो ऐड करनी है। तो मैं ऐड करता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो इफेक्ट वीडियो डाउनलोड कर रखी है आपने सेलेक्ट करना है। वीडियो आ चुकी है, जो वीडियो है इसका साइज आपको फुल करना है, टिक पे क्लिक करना है। जो इफेक्ट वीडियो वाले लेयर क्लिक करना है, साइड में कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, नीचे इसका लेना है और एक ऑप्शन आ चुका है ब्लेंडिंग, क्लिक करना है और आपको सिलेक्ट कर लेना है स्क्रीन, ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है और टिक पे क्लिक करना है। ना गाइस देख लीजिए हमारी इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो एडिट करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हो यार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का, और फॉलो कर देना इंस्टा आईडी पे, मन करे तो गाइस फॉलो कर देना। तो इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है, अब करना है क्या, इसमें एक टेम्पलेट और ऐड करना है। तो मैं ऐड करता हूँ एक कलर इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है, तो मैं ऐड करता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने जो वीडियो डाउनलोड कर रखी है आपने सेलेक्ट करना है। वीडियो आ चुकी है, जो वीडियो है इसका साइज आपको फुल करना है, टिक पे क्लिक करना है। जो कलर वीडियो है क्लिक करना है, साइड में कुछ ऑप्शन हो रहे हैं, नीचे की इसका लेना है और एक ऑप्शन आ चुका है ब्लेंडिंग, क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन सेलेक्ट करना और टिक पे क्लिक करना है। गाइस देख लीजिए हमारी इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है, आपने इस तरीके से वीडियो एडिट कर लेनी है। और अब करना क्या है, इसमें एक PNG ऐड करनी है। सो मैं PNG ऐड करता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने एक
PNG सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपने जो डाउनलोड कर रखी है तो PNG सेलेक्ट कर दो। PNG आ चुकी है। जो PNG है इसकी लेंथ लंबी करनी है। लंबी करने के बाद जो PNG है इसका साइज़ में हल्का सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर सेट कर लेता हूँ ऊपर। ठीक है, तो गाइस मैं इसे हल्का से घुमा लेता हूँ इतना। ठीक है, और यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो PNG सेट हो चुकी है। आपने इस तरीके से PNG सेट करनी है। गाइस देख लीजिए हमारी इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है। और अब करना है क्या गाइस, इसमें एक बॉर्डर आउटलाइन PNG ऐड करनी और साउंड ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले बॉर्डर आउटलाइन PNG ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। आपने उस बॉर्डर आउटलाइन PNG को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। PNG आ चुकी है। जो PNG है इसकी लेंथ है लंबी करनी। लंबी करने के बाद जो PNG है इसका साइज आपको फुल कर देना। और PNG ऐड हो चुकी है। और अब करना है क्या, वीडियो में साउंड ऐड करना है। तो मैं साउंड ऐड कर लेता हूँ। एक ऑप्शन हो रहा साइड में ऑडियो, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपके मोबाइल में जितनी भी साउंड है यहाँ पे शो करेंगे। आप यहाँ से अपने हिसाब से साउंड ऐड कर सकते हो। अगर गाइज जो साउंड मैंने ऐड करा था फर्स्ट में आपने वीडियो में देखा होगा, उस साउंड को ऐड करना चाहते हो गाइज आप डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो में ऐड कर सकते हो साउंड को। तो गाइज हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है। और अब करने के गाइज आपको वीडियो देख लेनी आपने कितनी लंबी बनानी। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 11 सेकंड की। और इतनी लेयर फालतू में ट्रिम कर लेता हूँ। वीडियो लेयर पे क्लिक करा, जो फर्स्ट लेयर ऊपर वाले। ठीक है, क्लिक करना है। और एक ऑप्शन हो रहा है कैच की निशानी, क्लिक करना है। ट्रिम टू राइट, टिक पे क्लिक करना है। ट्रिम हो चुकी है लेयर। तो गाइज इस वीडियो कर लेते अपने मोबाइल में सेव। सेव करने के लिए एक ऑप्शन हो रहा है शेयर, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी सेलेक्ट करनी है। क्वालिटी सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर एक्सपोर्ट, क्लिक करना है। और गाइज आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है।